नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। कुक्षी, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जल स्रोत माँ नर्मदा नदी के बहाव के संदर्भ में इन दिनों जनश्रुति व्याप्त है कि नर्मदा नदी पश्चिम के बजाय अब अपने प्राकृतिक बहाव के विपरीत दिशा पूर्व की ओर पलटकर बहने लगी है। जबकि युगयुगांत से माँ नर्मदा की अविरल पावन धारा पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए अमरकंठक से निकलकर समुद्र में समा रही है और ये अब भी जारी है। लेकिन सरदार सरोवर बांध स्थल पर बहाव रुकने के कारण मध्य प्रदेश के धार और बड़वानी जिलों में ऐसा महसूस हो रहा है कि माँ नर्मदा नदी की दिशा विपरीत हो गई है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि सरदार सरोवर बांध के गुजरात के जल संग्रह इलाके में भारी वर्षा से ऐसा हो रहा है। हालांकि विज्ञान का अपना मत अलग ही है, वास्तविकता ये है कि वर्तमान समय में गुजरात में ज़बरदस्त बारिश के कारण नर्मदा नदी उल्टी बहने लगी है। नर्मदा का बहाव पूर्व से पश्चिम की ओर हो रहा है, लेकिन भारी वर्षा के बीच बांध के गेट बंद होने से अभी बैक वाटर का पश्चिम से पूर्व की ओर बहाव हो गया है। मैंने ये वीडियो देखा था जिसमें दिखाया गया था कि नर्मदा रिवर का जो ऊपर वाला पार्ट है वो उल्टे डायरेक्शन में बह रहा था। तब मैंने ये देखा कि उस पर आंधी चल रही थी। जब आंधी चलती है तो हवा का वेग बहुत ज़्यादा होता है और इट वाज 40 किलोमीटर्स पर आवर, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बहुत तेज़ी से हवा बह रही थी। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सारी चीज़ें उड़ने लगती है और तब जो हवा का जो डायरेक्शन था वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ था, इसीलिए जो रिवर के ऊपर का जो पार्ट था जिस पे नदी बह रही थी उसके ऊपर का पानी विपरीत दिशा में बहता हुआ दिख रहा था, बट एक्चुअल में नीचे से वो उसका सेम डायरेक्शन था। तो चूँकि मॉनसून का भी सीज़न है, बहुत सारे पैरामीटर्स चेंज होते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएशन होता है, तो उसके कारण जो हवा का वेग था वो बहुत ज़्यादा था और डिफरेंट डायरेक्शन में होने के कारण सिर्फ और सिर्फ ऊपर की लेयर जो थी वो हल्की होने के कारण वो वाला फ्लो ऊपर दिख रहा था बट नीचे से फ्लो सेम था। तो इसका मतलब है कि नर्मदा नदी उल्टी नहीं बह रही थी, नहीं नहीं दिखाई, हाँ दिखाई दे रही थी, बाकी उसका फ्लो वही है। ठीक है मैडम, आपका नाम और पोस्ट बता दीजिए। मैं डॉक्टर मोना गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स महाराजा भोज, PG कॉलेज धार से। और मूलतः मैं जन्म से राजघाट कुकरा जो टापू स्थित है यहाँ पे रहने वाला हूँ। अभी ये जो नर्मदा देख रहे हो आप, ये एकमात्र नदी है ऐसे कि जो पूरब से पश्चिम बहती है, पर आजकल डैम बनने के बाद 2019 में भी ऐसे उल्टा पानी बहा और अभी भी ये उधर से ही पानी बढ़ते जा रहा निरंतर, अभी लेवल लगातार बढ़ रहा है। तो अभी लग रहा है कि उल्टी दिशा में बह रही है नर्मदा। जी, क्या कारण होगा? ये नीचे जो महाराष्ट्र और गुजरात में जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जो डैम के पहले ये गांव आते हैं उसकी वजह से ये पानी भराव हो रहा है यहाँ। क्या कहना है इस बारे में? पानी तो उधर से ही आ रहा है, इधर तो बारिश कम है तो डूब सकता है और वापस पानी। नर्मदा की सहायक नदियों का कारण भी बन सकता है। वो तो है ही, जो छोटा उदयपुर के बाद जो बोड़ेले की एक सहायक बड़ी नदी है, जो अभी वहाँ पर भी ज़्यादा बारिश होने के कारण जो इधर ही पानी आएगा। सनील जी, आप बता सकते हैं? जी, 12 जुलाई को दोपहर के बाद में नर्मदा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई नज़र आई और यह नज़ारा 12-13 जुलाई और 14 जुलाई को सुबह तक नज़र आया। इसके पीछे का कारण यह है कि नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, या सभी लोगों एकमात्र नदी है भारत की जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। बाकी नर्मदा सिर्फ 140 किलोमीटर का एरिया जो है सरदार सरोवर बांध जो गुजरात में केवड़िया में बंधा हुआ है, सरदार सरोवर बांध से मध्य प्रदेश के राजघाट बड़वानी और धार जिले के चिखलदा के मध्य में 140 किलोमीटर के हिस्से में नर्मदा विपरीत बहाव में 48 से 52 घंटों तक बहती हुई नज़र आई। इसके पीछे कारण ये रहा है कि गुजरात में जो पानी बारिश हुई है और महाराष्ट्र की जो बारिश हुई है, उस बारिश का पानी जब सरदार सरोवर डैम की ओर गया और वहाँ से जाने के बाद में मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी से जो पानी का बहाव जिस स्पीड से जाना था, क्योंकि मध्य प्रदेश में उस समय कम बारिश हो रही थी, जिसके चलते मध्य प्रदेश से बारिश का फ्लो वहाँ पे नहीं जा रहा था और गुजरात का और महाराष्ट्र का बारिश का फ्लो बांध से जाने के बाद में रिवर्स हो रहा था, तो उस रिवर्स होने के कारण नर्मदा मध्य प्रदेश के 3 जिले अलीराजपुर, बड़वानी और धार जिले के 140 किलोमीटर के दोनों तटों की ओर उल्टा बहाव बहते हुए नजर आया है, यह रहा इसका कारण। खबर समय जगत के लिए कुक्षी धार से
शोहेब खान की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।